नमस्कार, वेलकम टू चाची की रसोई। आज हम बनाएंगे पनीर चीला, जो कि मूंग दाल से बनाया जाता है और फटाफट से तैयार हो जाता है। आइए शुरू करते हैं पनीर चीला बनाना। पनीर चीला बनाने के लिए ये हमने लिया है 250 ग्राम मूंग दाल धुली हुई, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये है 50 ग्राम चने की दाल, इन दोनों को अच्छे से साफ कर लिया हमने। अब इसको 2 घंटे के लिए हम भिगो कर रख देंगे। ये 2 घंटे तक रहेगी और फिर इसको वॉश करके अच्छे से हम मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन, आसानी से पीस जाएगी ये मिक्सी में। ये दाल भीग चुकी थी 2 घंटे तक, फिर हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल फाइन। देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा गाढ़ा है इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड और करेंगे। आधा कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आधा चम्मच और डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, इस तरीके से बेकिंग पाउडर आता है, देखिए। अब इसमें हम 1 पिंच बेकिंग पाउडर डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा गोल रेडी हो चुका है चीले बनाने के लिए। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं इसके लिए। ये हमने 100 ग्राम पनीर लिया है और इस तरह से हमने क्रश कर लिया है इसको, देखिए। अगर आप क्यूब्स में काट सकते हैं, ना चाहें तो आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्रश किया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे बारीक चॉप किए हुए, ये धनिया पत्ती, ये डालेंगे हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास मटर अवेलेबल है तो मटर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे नमक आधी चम्मच, ये हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, में डालेंगे हम चाट मसाला, ये हम डालेंगे काला नमक, और इसमें डालेंगे आधा लेमन जूस, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। अब इसको सभी को मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम चीला तैयार करेंगे। एक तवा लिया हमने हैवी सा, इस तरीके से, ये नॉन स्टिक तवा नहीं है। इस पे हम थोड़ा सा तेल फैलाएंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इससे नमक डालने से हमारे चीले बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक नहीं है। ये तवा हमने सादा लिया है। 2 सेकंड बाद इसको हम साफ कर देंगे इस तरीके से। अब ये चीले उतारने के लिए तवा रेडी हो चुका है। अब हम घोल डालेंगे इसमें इस तरीके से, और हल्के हल्के हाथों से हम इसको फैलाते जाएंगे इस तरीके से। थोड़ी देर इसको इसी तरह से पकने देंगे। देखिए हमारा जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें उड़ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल फैलाएंगे। अब अभी चारों तरफ से सिकना चालू हो गया है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से उतारेंगे। देखिए आसानी से उतर गया ये। अब हम दूसरे साइड भी इसको सेकेंगे इस तरीके से, दोनों तरफ से हम सेकेंगे ताकि बिल्कुल कच्चा ना रहे।
अब 2 सेकंड बाद हम इसको पलटेंगे। देखिए ये अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें हमारा मसाला फैलाएंगे इस तरीके से, बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है ये, आप सुबह सुबह झटपट बना सकते हैं। ये हमारा पनीर चिल्ला तैयार है। आप भी इस पनीर चिल्ले को बनाइए और हेल्दी नाश्ता अपनी फैमिली को खिलाइए।